खबर रीवा से है, जहां आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जगह जगह रैलियां जुलूस निकालकर लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक तिरंगे को फहराने का संदेश दिया जा रहा है। प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का देव तालाब से शुभारंभ हुआ। श्री गौतम खुली जिप्सी में सवार होकर देव तालाब से तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए रवाना हुए। उन्होंने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन भी उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा देव तालाब से प्रारंभ हुई। यात्रा में बाइक एवं गाड़ियों का लंबा काफिला शामिल रहा, जिसमें तिरंगे लहरा रहे थे। यात्रा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का जगह जगह ग्रामीण जनों, महाविद्यालय एवं विद्यालयों के छात्र छात्राओं तथा बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा के रास्ते में लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय एवं वंदे मातरम का उद्घोष कर स्वागत कर रहे थे। जिस रास्ते से यात्रा गुजरी, वहां के लोग भी यात्रा में शामिल होते गए। यह तिरंगा यात्रा देव तालाब से आरंभ होकर नई गढ़ी, मऊगंज, पन्नी, रतनगवा, नगई मोड़, सीतापुर, तमरी, डिघवार, सुकुलगवा, घुघरी होते हुए वापस देव तालाब पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में सभी लोग अपने घरों में गौरव के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अवश्य फहराएं। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में लोगों का उत्साह प्रशंसनीय है। सभी मकानों, कार्यालयों, दुकानों, होटलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में चारों तरफ तिरंगा फहराने की होड़ है। उन्होंने देव तालाब विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का आह्वान किया कि सभी अपने घरों में तिरंगा फहराएं, ताकि पूरा क्षेत्र तिरंगामय हो जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों में विधानसभा देव तालाब आगे है, उसी तरह हर घर तिरंगा अभियान में भी लोग अपनी सहभागिता निभाकर इसे अग्रणी रखें। इस दौरान जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में जन ग्रामवासी उपस्थित रहे।